हिल्स क्वीन शिमला सैलानियों से गुलजार। 2 दिन में आई 13,000 गाड़ियां, 42,000 टूरिस्ट ने निहारी हंसी वादियां। 2 महीने और चलेगा सिलसिला। हिल्स क्वीन शिमला में वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ उमड़ी। 2 दिन में शोगी वैरियर से 12,770 गाड़ियों ने शहर में एंट्री की। 31 दिसंबर के बाद राजधानी टूरिस्ट की आवाजाही से गुलजार है। शहर में 2 दिन में लगभग 42,000 सैलानियों ने कदम रखा। शिमला के जाखू, मशोबरा, नालदेहरा, कुफरी, फागू, नारकंडा और चायल में सैलानियों ने खूब मस्ती की। रिज मैदान पर दिन के समय टूरिस्ट सेल्फी लेते और वीडियो बनाते दिखे। नए साल के बाद भी होटलों में एडवांस बुकिंग लगातार हो रही है। बर्फबारी की उम्मीद से टूरिस्ट हिमाचल में विंटर वेकेशन का आनंद लेने आ रहे हैं। शिमला में प्राइवेट और HPTDC दोनों होटलों को मिलाकर 80% आईक्यूपेंसी दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हिल्स क्वीन शिमला के 11 जनवरी के बाद बर्फ की सफेद चादर में ढक जाने की संभावना है। सैलानी इस आज से हिल स्टेशन पर रुख कर रहे हैं। टूरिस्ट की आमद से शिमला के घोड़ा चालक, फोटोग्राफर, गाइड और रेहड़ी भड़ी लगाने वालों की कमाई भी बढ़ गई है। आम दिनों में 200 से 300 रुपए मुश्किल से कमाने वाले अब 1200 तक कमा रहे हैं। फोटोग्राफर और घोड़ा चालकों को 2 से 3 हजार आसानी से मिल रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।